ये लीजिए, आपके शहर में एक और नया बन चुका है एरिया जो कि आप घूमना चाहेंगे। जी हाँ, ग्वालियर शहर में बन चुका है, देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन एरिया जो कि अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे घूम के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है ग्वालियर खटोरा ताल पे, जो कि नया बना हुआ है बिल्कुल घूमने के लिए आपके, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए। देख सकते हैं अभी रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर मौसम कुछ इस प्रकार का है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लेकिन जब हम यहाँ रिटर्न वापस आए तो देखिए क्या हुआ आप। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा ही मैंने बताया कि हम यहाँ से 8 बजे गए थे, लेकिन जैसे हम 12 बजे रात को यहाँ वापस आए हैं तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ यहाँ पे पानी गिर रहा है और ग्वालियर जो कि नया बना हुआ है यहाँ पे घूमने के लिए और कटोरा ताल दोनों बंद हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो अपना बर्थडे मनाने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने केक काटना शुरू किया पानी गिर गया। तो इसको बोलते हैं किस्मत के ऐल लगना। समझ सकते हैं आप दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बेचारा का जन्मदिन था, 12 बज रहे हैं अभी बिल्कुल, बेचारा अपना जन्मदिन मनाने आया था दोस्तों के साथ में, लेकिन यहाँ पे पानी की बरसात हो गई तो यहाँ पे वो अपना जन्मदिन मना नहीं पाया। लेकिन उसने फिर भी गिरते पानी में केक काटा, एंजॉय किया और अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट किया। अभी वो लोग साइड पर खड़े हुए हैं, शायद आपको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो भी हल्ला बल्ला कर रहे हैं, अपना बर्थडे मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको इस प्रकार से पानी गिर रहा है। हम लोग भी घूमने आए थे कि कैसा लगता है मौसम में वेदर, देखते हैं और आपको भी एक वीडियो बना के दिखा देंगे कि गिरते पानी में वेदर कैसा हुआ है, जो बार बंद होता है कि नहीं होता। देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनमें से ही अभी बहुत सारे लोग जो छुप गए हैं क्योंकि पानी गिरने लगा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है मौसम के समय में पानी गिरता है जब पूरा ये वेदर का, लेकिन उसे बंद नहीं किया जाता, लाइटिंग वगैरह चालू है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा हमें।